हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? तो जो भी मेरे फ्रेंड्स टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा कि आपको पता है टेट निकल चुका है। इस महीने जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं और नवंबर मंथ में जो है एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेट की तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे आपको जो बहुत सारी वीडियोस है अवेलेबल हैं, चाहे प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो या फिर HPG के हो, पैडागोजी हो, तो आप देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। जैसा कि आपको पता है मेरा एक और चैनल है स्काई फैमिली के नाम से, तो प्लीज़ प्लीज़ उस चैनल को भी उतना ही प्यार दीजिए। और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे मुझे देख सकते हैं। मेरे से मैं क्या करती हूँ वो भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें हम जो है जो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं और प्लेसेस हैं विद देयर निक नेम, हम करेंगे जो पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं उनके निक नेम, उनको किस नाम से बुलाया जाता था। जैसे अब आपको पूछ लें हिमाचल प्रदेश का सिंधी गांधी किसे कहते हैं, हिमाचल प्रदेश का कबीराज किसे कहते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पॉपुलर पर्सनैलिटीज, उसके बाद करेंगे पॉपुलर प्लेसेस। फर्स्ट है सिंधी गांधी। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में सिंधी गांधी किसे कहा जाता है या हिमाचल प्रदेश का सिंधी गांधी किसे कहा जाता है, तो ये हैं कृष्णानंद स्वामी, इनको सिंधी गांधी कहा जाता है। पहाड़ी गांधी, पहले क्वेश्चन हमेशा जितने भी पेपर हुए उनमें रिपीट होता था, पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है, पहाड़ी बुलबुल किसे कहा जाता है या पहाड़ा भी बुलबुल किसे कहा जाता है। बट अब जो है क्वेश्चन सिर्फ पहाड़ी गांधी तक सीमित नहीं है, अब जो है अब फ्रंटियर गांधी, कविराज हो गया, तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी HI है यहाँ पे। हाँ, तो फर्स्ट है सिंधी गांधी, कृष्णानंद स्वामी को कहा जाता है। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को, और पहाड़ा दी बुलबुल भी बाबा कांशीराम को कहा जाता है। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट भी हो चुका है, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है पहाड़ी गांधी किसके द्वारा जो है नेम दिया गया है बाबा कांशीराम को, और पहाड़ी बुलबुल किसके द्वारा दिया गया है, क्योंकि दो डिफरेंट लोग थे जिन्होंने इनको डिफरेंट टाइटल दिए हैं, पहाड़ी बुलबुल और पहाड़ी गांधी। नाउ थर्ड है पहाड़ी फ्रंटियर गांधी, हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी फ्रंटियर गांधी, या सिंपल पूछ लेते हैं फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो ये है भज्जूमल। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का कविराज किसे कहा जाता है, ये है पंडित पद्मदेव को। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल, या हिंदी में पूछ लेते हैं हिमाचल का शिल्पकार, हिमाचल का वास्तुकार या हिमाचल का निर्माता किसे कहा जाता है, तो ये हैं डॉक्टर YS परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि इन हिमाचल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो ये है निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक आपने सुना होगा, रोरिक आर्ट गैलरी, तो निकोलस रोरिक जो है उनको महर्षि की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है शेरे हिंद, शेरे हिंद या टाइगर ऑफ इंडिया, इसको टाइगर ऑफ हिंद या टाइगर ऑफ इंडिया ये किसे कहा जाता है, तो ये है हरि सिंह। और ये जो उपाधि है ये मिलिट्री की हाईएस्ट उपाधि हुआ करती थी, तो ये सरकाघाट के जो हरि सिंह है उनकी ब्रेवरी के लिए जो है इनको उपाधि ये दी गई थी, शेरे हिंद। नेक्स्ट है सरदारे जंग, सरदारे जंग, तो ये उपाधि दी गई है मेजर मेहर दास को, जो कि कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, और ये उपाधि किसके द्वारा दी गई है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदारे जंग जो उपाधि है हिमाचल प्रदेश में किसे दी गई है, मेजर मेहर दास को। नेक्स्ट है तगमा ए शत्रुनाश, तगमा ए शत्रुनाश ये किसे बोला गया है, ये है कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह, कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह को ये उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है बागी, ये उपाधि किसे दी गई है, ये है बख्शी सत्य प्रकाश, या कई बार नाम ले लेते हैं सत्य प्रकाश बागी, तो इनको जो ये दी गई है ये फ्रीडम फाइटर थे। नेक्स्ट है छोटा राजा, हिमाचल प्रदेश में छोटा राजा की उपाधि किसे दी गई है, ये है जनरल जोरावर सिंह को। नेक्स्ट है अजान बाहू और छत्रपति,
ये क्वेश्चन जो है काफी बार रिपीट हुआ है कि अजान बाहु और छत्रपति की उपाधि किसे दी गई है, तो ये है राजा केहरी सिंह। तो आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि राजा केहरी सिंह जो हैं इनके बारे में आप क्या जानते हैं, क्योंकि जब मैंने हिस्ट्री करवाई थी किस डिस्ट्रिक्ट से ये रिलेटेड है, तो आपको पता होगा किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, जब मैंने हिस्ट्री करवाई तो मैं काफ़ी डिटेल में ये बताया भी था। नेक्स्ट है पॉपुलर प्लेसेस। फर्स्ट है छोटी काशी, हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी किसे कहा जाता है, मंडी को, या वाराणसी ऑफ हिमाचल प्रदेश भी मंडी को ही कहा जाता है। लिटिल तिब्बत या छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, लाहौल स्पीति को। नेक्स्ट है मिनी ल्हासा किसे कहा जाता है, धर्मशाला को। नेक्स्ट है लैंड ऑफ ग्रेप्स या अंगूरों की भूमि, रिब्बा, जो कि किन्नौर में है, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, शहद और दूध की घाटी किसे कहा जाता है, चंबा वैली को ही जो है शहद और दूध की घाटी कहा जाता है। जब आपने मेरी वीडियो देखी होगी वैली वाली, तो उसमें मैंने बताया था क्या क्या जो है चंबा वैली को किस किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स, 84 मंदिरों की भूमि किसे कहा जाता है, ये है भरमौर, या शिव भूमि किसे कहा जाता है, भरमौर को ही। भरमौर कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है वैली ऑफ गॉड्स किसे कहा जाता है, भगवान की भूमि किसे कहा जाता है, देवताओं की भूमि किसे कहा जाता है, कुल्लू वैली को। नेक्स्ट है लेक ऑफ मून और लेक ऑफ सन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है लेक ऑफ मून मतलब चंदा, तो चंद्रताल लेक को लेक ऑफ मून कहा जाता है, और सूरज ताल को जो है लेक ऑफ सन कहा जाता है। तो आपने मुझे बताना है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है लेक ऑफ डर्टी वाटर, ठीक है, गंदे पानी का लेक किसे कहा जाता है, ये है कराली लेक। कराली लेक कहाँ पे है, ये करवा चुकी हूँ, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। नेक्स्ट है लेक ऑफ स्लीपिंग वोमेन, किसे कहा जाता है, रेणुका लेक को। नेक्स्ट है गुलमार्ग ऑफ हिमाचल, गुलमार्ग जो है हिमाचल का किसे कहा जाता है, ये है खजियार, जिसको हम मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं, उसको गुलमार्ग ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आइस स्केटिंग प्ले ग्राउंड कौन से लेक में है, ये मतलब कौन सा लेक है, ये है नाको लेक। नेक्स्ट है रिवर ऑफ सोरो किसे कहा जाता है, स्वान रिवर को। नेक्स्ट है पीच बाउल ऑफ एशिया, ये अभी जो 2021 में एग्जाम हुए वहाँ पे पूछा गया है ये क्वेश्चन, पीच बाउल या फिर पीच बैली भी पूछा जाता है, तो वो है राजगढ़, जो कि सिरमौर में है। नेक्स्ट है एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश किसे कहा जाता है, मशरू रॉक कट टेम्पल को, तो आपने मुझे बताना है कि कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है अजंता ऑफ हिमालयस कहाँ किसे कहा जाता है, तवो मोनेस्ट्री को। नेक्स्ट है पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल पूछा जा रहा है, तो ये है बारालाचा पास जो है उसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये क्वेश्चन यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।